डाउट बॉक्स होगा है ना किसी देर की हुई। चलो फिर शुरू करते हैं। सो सबसे पहले ये हमारा डायरी एरिया है। अब देखिए राउंड का स्लो मोशन, ये मेरे सास ससुर जी के, मेरे सास के सास ससुर जी है। उनका होम टूर मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करने वाली हूँ, बस आज फिलहाल किचन टूर करने वाले हैं। तो किचन के रिलेटेड डाइनिंग एरिया आता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डाइनिंग एरिया शेयर कर रही हूँ। तो देखिए पूरा व्यू स्लो मोशन। सो यहाँ पे है सिंक, मतलब खाना खाने के बाद यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए। सो ये तो वॉशरूम है, और यहाँ पे कितने सुंदर से लाइट्स है, और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, और ये टाइल्स देखिए कितना सुंदर खूबसूरत है। यहाँ पे भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, बट फैमिली को ने अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं घर पे वीडियो नहीं बना रही, सिर्फ बेडरूम में ही वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ हमारे किचन। तो किचन में एंटर करने के पहले यहाँ पे एक सुंदर सा डिज़ाइन है, देखिए वॉल पे ये 7 सीटर का डाइनिंग टेबल है। तो 2 चेयर्स उधर एक है, इधर और एक अंदर है। सो फिलहाल यहाँ पे 5 चेयर्स ही है। सो यहाँ पे हम लोग किचन में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ। सो गाइस ये हमारा किचन है इधर। सो गाइस ये हमारा खूबसूरत सा किचन है, हमारी सासू माँ का प्यारा सा घर है। ये मॉड्यूलर किचन है, तो वाइट और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये इलेक्ट्रिकल गैस, मतलब इस तरह से अगर ऑन करेंगे तो गैस ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे एक चिमनी है, और यहाँ पे कैबिनेट्स है सब, ये देखिए। देखिए पूरा कैबिनेट से पूरा स्टोर किया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है। देखिए हम लोग साउथ इंडियन से रिलेटेड करते हैं, इसलिए इडली का बर्तन। और ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर लाइट्स है, पूरा स्टोर, मतलब कैबिनेट दिया हुआ है स्टोर करने के लिए। यहाँ पे ओवन है, नीचे भी पूरा कैबिनेट दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं, ऑनियन पोटैटो वगैरह। और यहाँ पे स्टोर किया हुआ है बड़े बड़े बर्तन, जो मतलब कोई फंक्शन में यूज होते हैं वो बर्तन हम लोग यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे सब चम्मच वगैरह सब ऑर्गेनाइज करके ही रखते हैं, बट बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो पूरे बर्तन यहाँ पे अगर ऐसे दिखाने लाऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा गाइस। यहाँ पे ग्लास वगैरह, यहाँ पे दाल राइस के लिए डब्बा कंटेनर हम लोग रखते हैं। सो यहाँ पे घी के डब्बे और कर्टन्स वगैरह, यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स, यहाँ पे सब कुकर्स कढ़ाई वगैरह, ये सारी कुल देवी है। इनको भगवान से अलग ही सेपरेट रखना पड़ता है, पुराना फ्रिज है, हम लोग इसको चेंज नहीं किए, कनेक्शन नहीं किए। तो यहाँ पे एक विंडो आता है जो बाहर की ओर गैलरी की ओर ओपन होता है। ऊपर भी कैबिनेट्स है जो हम लोग यूज़ नहीं करते, वो कैबिनेट मतलब बर्तन हम लोग ऊपर रखते हैं। सो गाइस यहाँ पे भी स्टोर, यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह रखने के लिए है, स्टोर करने के लिए। यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन हम लोग रखते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन, और ये वाटर फिल्टर है। यहाँ पे 2 नल है बर्तन धोने के लिए, 2 सिंक है। और यहाँ पे हम लोग बोरिंग यूज़ करते हैं, इसलिए अगर जब मतलब टैंकी फुल हो जाता है तो यहाँ पे पानी आ जाता है, तो इससे हम लोग को हिंट मिल जाता है, मतलब टैंकी भर गया इसका। सो ये एक्चुअली बर्तन धोने वाला मशीन के लिए वो प्लेस दिया गया है, बट हम लोग वो अभी मशीन यूज़ नहीं कर रहे, मतलब लाए हैं, इसलिए हम लोग इसको स्टोर की तरह यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, जो कि हम जैसे लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे एक बालकनी की तरह आपको प्लेस दिया गया है, यहाँ से वहाँ तक पूरा ओपन प्लेस है, ताकि मतलब हवा भी आए, एयर फ्लो के लिए यहाँ पे बालकनी दिया गया है। एक बार व्यू देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे कपड़े वगैरह सब सुखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिरर का डिज़ाइन कितना सुंदर है।
सो गाइस यही हमारा किचन है। आप लोगों को मैंने डिटेल्स में नहीं दिखाया, अगर डिटेल्स में दिखाने जाऊंगी तो 1 आवर का वीडियो लेंथ हो जाएगा। सो आप जस्ट आप लोगों को एक आइडिया होने के लिए, जब भी आप घर बनाओ तो आपको एक आइडिया के लिए मैंने ये मॉड्यूलर किचन का टूर मतलब वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।